Hey guys, I hope you all are doing absolutely great. So Afrin is back with another amazing video. तो मुझे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे that you guys want videos on career opportunities in pharmacy. So here I am with a bunch of career opportunities just for you. But wait, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है that आप किसी function में गए हो और कोई अंकल या आंटी ने आपको बोला हो बेटा फार्मेसी पढ़ रहे हो तो मेडिकल स्टोर ओपन करोगे ना. हुआ है राइट, सबके साथ होता है. बट डोंट वरी, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू टॉप 10 ट्रेंडिंग करियर अपॉर्चुनिटीज एक्सक्लूसिवली फॉर फार्मेसी स्टूडेंट्स. तो वीडियो एंड तक देखना, बिना स्किप करें. नंबर वन करियर अपॉर्चुनिटी ऑन माई लिस्ट इज मेडिकल राइटिंग. अगर आसान शब्दों में बोलूँ तो मेडिकल राइटर्स वो होते हैं जो एक क्लिनिकल रिसर्च डॉक्यूमेंट को वेल स्ट्रक्चर्ड साइंटिफिक रिसर्च डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं. मेडिकल राइटर्स दो टाइप के होते हैं. नंबर वन इज द एजुकेशनल मेडिकल राइटर एंड नंबर टू इज द रेगुलेटरी मेडिकल राइटर. जो एजुकेशनल मेडिकल राइटर्स होते हैं वो मैन्यूस्क्रिप्ट प्रिपरेशन या फिर जर्नल पेपर प्रिपरेशंस, रिसर्च पेपर पब्लिकेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं. जबकि जो रेगुलेटरी मेडिकल राइटर होते हैं वो डॉक्यूमेंट फॉर रेगुलेटरी सबमिशन प्रिपेयर करते हैं, जिसमें प्रोटोकॉल फॉर ड्रग्स या फिर क्लिनिकल ट्रायल फाइनल रिपोर्ट्स इंक्लूड होते हैं. अगर आप इन फ्यूचर मेडिकल राइटिंग एज योर करियर अपॉर्चुनिटी परसिव करना चाहते हो तो आप में ये 3 स्किल्स होना कंपलसरी. नंबर 1, यू शुड बी गुड एट इंग्लिश राइटिंग एंड ओरल कम्युनिकेशन. नंबर 2, यू शुड बी अ क्रिएटिव थिंकर. नंबर 3, यू शुड हैव एक्सेलेंट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स. तो अगर आप सोचते हैं आप में ये 3 स्किल्स है तो मेडिकल राइटिंग इज अ गुड फिट करियर फॉर यू. नंबर 2 ऑन माई लिस्ट इज मेडिकल स्क्राइब. अब मेडिकल स्क्राइब एक वर्चुअल असिस्टेंट होता है टू द डॉक्टर एंड द फिजिशियंस, और इनका काम होता है कि डॉक्यूमेंट करना मेडिकल विजिट्स को बिटवीन द पेशेंट एंड द फिजिशियन. अब ये हेल्प करते हैं मेंटेन करने को द मेडिकल हिस्ट्री ऑफ अ पेशेंट. अगर आप इन फ्यूचर मेडिकल स्क्राइब एज योर करियर अपॉर्चुनिटी परसिव करना चाहते हो तो आप में ये 3 स्किल्स होना कंपलसरी है. नंबर 1, आपको टाइपिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए. नंबर 2, यू शुड हैव एक्सेलेंट ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स. एंड नंबर 3, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज का अच्छा नॉलेज होना चाहिए. तो अगर आप सोचते हैं कि आप में ये सारी स्किल्स है तो मेडिकल स्क्राइब इज अ गुड फिट करियर फॉर यू. नंबर 3 करियर अपॉर्चुनिटी ऑन माई लिस्ट इज क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट. जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उनका डेटा डेमोग्राफिक फॉर्म्स में होता है या फिर लेबोरेटरी मेजर्स फॉर्म में होता है या फिर सिम्टम्स एंड मेडिकेशंस के फॉर्म में होता है. तो जो ये क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इन डेटा को कलेक्ट करते हैं, क्लीन करते हैं एंड मैनेज करते हैं अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स. अगर आप इन फ्यूचर क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में करियर परसिव करने का सोच रहे हो तो आप में ये 3 स्किल्स होना कंपलसरी है. नंबर 1, यू शुड बी गुड एट कम्युनिकेशन. नंबर 2, टीम मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए. नंबर 3, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए. अगर आप सोचते हैं आपके पास ये 3 स्किल्स है तो क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट इज अ गुड फिट करियर फॉर यू. सो नंबर 4 करियर अपॉर्चुनिटी ऑन माई लिस्ट इज मेडिकल कोडिंग. तो इफ बींग अ फार्मासिस्ट आप स्टिल कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और अपना करियर एक कोडिंग में प्रेफर करते हैं तो मेडिकल कोडिंग आपके लिए एक राइट फिट हो सकता है. बेसिकली मेडिकल कोडर्स अल्फा न्यूमरिकल कोड्स के फॉर्म में जितने भी हेल्थ केयर डायग्नोसिस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं या फिर मेडिकल सर्विसेज होती है, उनको उन सब डॉक्यूमेंट्स को एक मेडिकल कोडिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो अगर आप सोचते हैं कि आपको एक मेडिकल कोडर बनना है तो आप में ये 3 स्किल्स होना कंपलसरी है. नंबर 1 स्किल इज अटेंशन टू डिटेल. ये इसलिए क्योंकि मेडिकल कोडर कोई गलती करना प्रेफर नहीं कर सकते, सो अटेंशन टू डिटेल इज मस्ट. नंबर 2 इज इनोवेटिव थिंकिंग एंड नंबर 3 स्किल इज एनालिटिकल स्किल. तो इफ बीइंग अ फार्मासिस्ट आप स्टिल कोडिंग में करियर परसिव करना चाहते हैं तो मेडिकल कोडिंग इज अ राइट फिट फॉर यू.
नंबर 5 करियर अपॉर्चुनिटी ऑन माय लिस्ट इज क्वालिटी अश्योरेंस ऑफिसर। तो क्वालिटी अश्योरेंस ऑफिसर एक वाइटल रोल प्ले करते हैं इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। क्वालिटी अश्योरेंस ऑफिसर एंश्योर करते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट्स हम ले रहे हैं वो कंटामिनेशन फ्री हो, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स मीट करते हो एंड ऑल्सो क्वालिटी प्रोडक्ट हो। तो ये क्वालिटी अश्योरेंस ऑफिसर का पोस्ट बहुत हाई होता है, लाइक अ अथॉरिटी वाला पोस्ट। सो इफ इन फ्यूचर आप एक क्वालिटी अश्योरेंस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप में ये 3 स्किल्स होना कंपलसरी है। नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, नंबर 2 डिसीजन मेकिंग स्किल एंड नंबर 3 इज एक्सेलेंट एनालिटिकल स्किल। तो इफ आप सोचते हो कि आप में ये 3 स्किल्स है तो क्वालिटी अश्योरेंस ऑफिसर पोस्ट इज अ राइट फिट फॉर यू। नंबर 6 ऑन माय लिस्ट इज क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। तो जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स होती है वहाँ साइंटिस्ट ये प्रेफर करते हैं कि वो किसी डिसीज का प्रिवेंशन ढूंढ पाए, उसके सिम्टम्स नोट डाउन करते हैं, कॉजेज नोट डाउन करते हैं एंड एवरीथिंग। तो एक क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट पार्टिसिपेट करता है इन ऑल द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस। तो अगर आप फार्माकोलॉजी में इंटरेस्ट है एंड क्लिनिकल ट्रायल्स में अपना करियर परसिव करना चाहते हो तो क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट इज द राइट फिट फॉर यू। और एक अच्छा क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट बनने के लिए आप में ये 3 स्किल्स होना कंपलसरी है। नंबर 1 इज ऑब्जर्वेशनल स्किल, नंबर 2 इज अटेंशन टू डिटेल्स एंड नंबर 3 इज डेटा एनालिसिस स्किल। तो अगर आप सोचते हैं कि आप में ये 3 स्किल्स है तो क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट जॉब इज राइट फिट फॉर यू। नंबर 7 ऑन माय लिस्ट इज R&D साइंटिस्ट, जिनको हम फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट पे बोलते हैं। ये वो लोग होते हैं जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब अगर आप इनोवेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप R&D में करियर परसिव कर सकते हैं। उसके लिए आप में ये 3 स्किल्स होना कंपलसरी है। नंबर 1 इज ऑब्जर्वेशनल स्किल, नंबर 2 टीम वर्क एंड कोलैबोरेटिव स्किल एंड नंबर 3 इज एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। तो आप सोचते हैं अगर आप में ये 3 स्किल्स है और इनोवेशन में इंटरेस्ट है तो आप एज अ R&D साइंटिस्ट करियर परसिव कर सकते हैं। नंबर 8 ऑन माय लिस्ट इज फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट। तो इनका काम ये होता है कि जब कोई ड्रग मार्केट में न्यू रिलीज होता है तो जितना भी पोस्ट मार्केटिंग सर्वे रहता है वो ये करते हैं। पोस्ट मार्केटिंग सर्वे में ये नोट करते हैं कि उस ड्रग के कोई एडवर्स इफेक्ट है, इज़ दैट ड्रग सेफ टू यूज़, ये जितनी भी डिटेल्स होती है वो एक फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट नोट करते हैं। एंड अगर आप एक फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट बनना चाहते हैं इन फ्यूचर तो आप में ये 3 स्किल्स होना कंपलसरी है। नंबर 1 स्किल इज दैट यू शुड हैव अ गुड इंग्लिश एंड राइटिंग कम्युनिकेशन, नंबर 2 स्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए एंड नंबर 3 अटेंशन टू डिटेल्स होनी चाहिए। इफ़ आप सोचते हैं कि आप में ये 3 स्किल्स है तो फार्माकोविजिलेंस कैन बी अ गुड फिट करियर फॉर यू। नंबर 9 ऑन माय लिस्ट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करियर अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप प्रैक्टिकल वर्क में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं एंड न्यू मेकिंग ऑफ ड्रग्स, ऑल्सो डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग अच्छे से सीखना चाहते हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करियर इज़ गुड फॉर यू। जहाँ पे आपको मेकिंग ऑफ न्यू ड्रग्स अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटरी गाइडलाइंस, यूजिंग ऑफ न्यू मशीन्स, वो सब सिखाया जाता है। एंड अगर आप में ये 3 स्किल्स है तो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में करियर परसिव करना प्रेफर कर सकते हैं। नंबर 1 गुड नॉलेज ऑफ रेगुलेटरी गाइडलाइंस, नंबर 2 एक्सेलेंट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स एंड नंबर 3 इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो आप अगर प्रैक्टिकल वर्क में बहुत इंटरेस्टेड है तो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में करियर परसिव करना कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 10 एंड दी फाइनल करियर अपॉर्चुनिटी ऑन माय लिस्ट इज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका काम होता है टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स थ्रू एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशंस, ब्रांडिंग एंड मैनी मोर। तो बेसिकली ये एक ट्रैवलिंग जॉब होती है और इफ आप कंसिडर करते हो टू ट्रैवल मोर वाइल वर्किंग सो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कैन बी अ गुड फिट फॉर यू।
टू बी अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ये 3 स्किल्स होना आप में कंपलसरी है. नंबर 1 गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, नंबर 2 गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल एंड नंबर 3 इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. तो आप सोचते हो इफ आप में ये 3 स्किल्स है एंड आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने में इंटरेस्टेड हो, सो दिस करियर इज अ गुड फिट फॉर यू. सो दोज वर द टॉप 10 ट्रेंडिंग करियर अपॉर्चुनिटीज इन प्राइवेट सेक्टर फॉर फार्मेसी स्टूडेंट्स. नाउ आई नो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा कि सैलरी कितनी होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, जॉब कैसे लगेगी, वैकेंसीज कैसे पता चलती हैं एंड मैनी मोर. बट गाइस, अगर मैं ये सब एक ही वीडियो में बता देती सो आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाता. तो व्हाट आई एम प्लानिंग इज आई एम प्लानिंग टू मेक अ सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर ऑल द करियर अपॉर्चुनिटीज इन डिटेल, जहाँ मैं सैलरी, एलिजिबिलिटी एंड एवरीथिंग इन डिटेल एक्सप्लेन करूँगी. सो इफ यू वॉन्ट टू व्यू ऑल दोज एक्सक्लूसिव वीडियो ऑफ माइन, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल तो लाइक दिस वीडियो. यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम फॉर ऑल द एक्सक्लूसिव एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स रिलेटेड टू फार्मेसी. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू सून विद अनदर अमेजिंग वीडियो.